सभी हाईएस्ट होलीएस्ट मर्जीवा ज्ञान डांस करने वाली पवित्र देही अभिमानी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग और होली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। शिव भोलानाथ परमपिता परमात्मा सबको सुख देते हैं, नई चीज़ें देते हैं और बदले में हमारे दुख पुरानी चीज़ें सब ले लेते हैं, इसलिए ही वो गायन और पूजन योग्य है। बाबा मनुष्य मात्र का कल्याण करते हैं तो हम भी उनकी ही संतान हैं, ऐसे में हमारा फर्ज भी है कि बाप के समान ही बनना और करना। ये बात समझ आती है हमें? बाबा आज भक्ति मार्ग में प्रचलित शब्दों के अर्थ भी बताते हैं तो हमें सभी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, रूहानी सेवा करनी चाहिए ताकि सभी परमात्मा रंग में रंग सकें और हम स्वर्ग में ऊंच पद पा सकें। अब तो समय भी नहीं बचा है, है ना? महाभारत लड़ाई सामने है, इसलिए ज्ञान योग की गहराई में उतर सदा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करते रहना है। आज तारीख है 8 मार्च 2023। तो अभी रंग जाते हैं परमात्मा रंग में, सुनते हैं अष्ट रत्न बनाने वाले परमात्मा बोल। मीठे बच्चे सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है, कहते हैं ना भगवान सुख करता दुख हरता है, शिव भोलानाथ तो बाबा भोला व्यापारी है, सुख देने वाला है, वही तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। सब कुछ पुराना ले लेते, हमें नई दुनिया में बाबा लेकर जाते, बाबा कहते इसलिए उनकी पूजा होती है। प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर में बाबा कहते तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तो मैं आत्मा तो परमात्मा की होली, और अब क्या करना है हमें, अन्य आत्माओं को भी बाबा का संदेश देना है। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है, देखो हर एक आत्मा अभी लक्ष्यहीन भटक रही है, कहाँ जाना है क्या चाहिए ये पता ही नहीं है, दर दर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। बाबा कहते हैं सबको एक लक्ष्य दो। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वह इन सब बातों को समझेंगे, तुम्हारी हैं रूहानी बातें। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया कि हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है, स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। बाबा कहते हैं कि इन सब बातों को वो समझेंगे जो तुम्हारे जैसे देवताओं को मानने वाले होंगे, जो तुम्हारे कुल के होंगे, इसलिए हमें सबको संदेश देना है, बताना है, इस रूहानी रंग में सबको रंगना है। गीत बजा। शांति। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, उनसे निराला तो क्या उनके जैसा भी और कोई नहीं है। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं, भोलानाथ
सिर्फ एक शिव बाबा है, गौरी नाथ जो कहते हैं। गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती, हाँ कहते हैं ना शंकर पार्वती दिखाया, गौरी नाथ कहते हैं, तो गौरी कोई एक पार्वती नहीं है। गौरी नाथ या बबूल नाथ अर्थात बबूल जैसे कांटों को फूल और जो सांवरे बन पड़े हैं उनको गोरा बनाने वाले हैं। तो ये सब बाबा के कर्तव्य वाचक नाम है, बबूल नाथ जो हमें कांटे से फूल जैसा बनाते हैं, गौरी नाथ जो हमें सांवरे से गोरा बनाते हैं, बैद्यनाथ देखो हमारी सब विकारों की जो बीमारी है दूर करते हैं। तो ये सब बाबा के कर्तव्यवाचक नाम है, अमरनाथ अमर लोक में ले जाने वाले। तो बाबा कहते हैं महिमा सारी है ही एक की, यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स हैं वह जरूर याद आते हैं, मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है, यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। माता पिता नामी ग्रामी हैं, सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती हैं, ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम नहीं है, ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं परंतु वह कोई जोड़ी है नहीं, वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी है नहीं, लेकिन शिव शंकर को एक कर दिया ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि वास्तव में तो शंकर पार्वती की भी जोड़ी नहीं है लेकिन वो दिखा देते हैं। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती, नाम लेते हैं सबका लेकिन यथार्थ रूप में तो नहीं जानते ना, उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं हैं, जो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म दिखाया तो वो तो देवताओं के अलंकार तो नहीं है ना, वो तो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, उनको दे दिया अलंकार क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था जो है वो ऊंची नीची होती रहती है। तो बाबा कहते हैं कि विष्णु के हाथ में जो अलंकार दिखाते हैं वो भी उनके नहीं हैं, यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अभी सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है, भोलानाथ व्यापारी भी है, हमसे पुरानी चीज लेकर नई देता है, पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से ऊंचते ऊंच कौन, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन। देखो कृष्ण को भी गोपेश्वर में शिव की पूजा करते हुए दिखाया है, रामेश्वरम में राम को दिखाया है, तो सबसे ऊंचा कौन है, कृष्ण को भी दिखाया कि शिव की पूजा कर रहे, राम को भी दिखाया, हनुमान दिखाया राम की पूजा कर रहे, राम पूजा कर रहे हैं शिव की, तो सबसे ऊंचा कौन है। तो बाबा कहते हैं सबसे सुख देने वाला कौन है, जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा भी होती है। तो यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, विचार सागर मंथन का नाम बहुत वाला है, तो विचार किया जाता है मनुष्यों में ऊंचते ऊंच है लक्ष्मी नारायण। अच्छा उन्होंने क्या सुख दिया है जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं, वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई भी नहीं दिया है। हाँ वे सुख धाम के मालिक थे परंतु उन्होंने ऐसा बनाया किसने, इनके पहले वह कहाँ थे, अगर बाबा उन्होंने ऐसा नहीं बनाता तो वे कहाँ होते, यह सब तो बच्चों को मालूम है, अब हमको सबकी बायोग्राफी मालूम है, आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं, उन्होंने ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना ऊंच बने, जरूर कोई शिक्षा मिली है, दुनिया नहीं जानती वह पास्ट में कौन थे, तुम अब जानते हो लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए या उन्हों को जो पुरुषार्थ कराने वाला है अथवा प्रलब्ध देने वाला है उनकी महिमा की जाए, देने वाले की महिमा है या लेने वाले की, कितनी गुह्य बातें हैं, समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए, उनकी भी सारी राजधानी चली है परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है, शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची, फिर उन्हों की पालना भी की, फिर जब तमोप्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतोप्रधान कौन बनाए, माया ने सबको तमोप्रधान बनाया है, लक्ष्मी नारायण जो सतोप्रधान थे फिर चक्र लगाकर तमोप्रधान में आते हैं, हर एक का ऐसे होता है। उस दिन भी बाबा ने बताया ना
विकारों की धूल चढ़ गई है। तो हर एक का ऐसे होता है, भल कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, सतो रजो तमो से हर एक को पास करना है। इस समय सब पतित हैं, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए। पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। यह राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। हर चीज सतो रजो तमो जरूर होती ही है। प्रिसेप्टर्स का भी ऐसे होता है, अब वह भी तमो प्रधान है। पहले आए तो पवित्र आत्माएं धर्म स्थापन किया और अभी पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान है। तो फिर भी अब सबसे ऊंचते ऊंच कौन है जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता? अगर वह भी तमो प्रधान बन जाए तो फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाए? फिर बलिहारी उनकी हो जाए। जो सबको सतो प्रधान बनाएगा तो बलिहारी उसकी है, महिमा उसकी है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती है, अच्छी लगती है तो सुनाई जाती है। इस तरह से हमें प्रश्न पूछना चाहिए लोगों से। भोलानाथ परमपिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता सतो प्रधान बनाने वाला है। सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वह सतो प्रधान सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है, दुख भोग न सके क्योंकि तब तो सुख की दुनिया है। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि यह नया सोल है, इसलिए इतना सुख है मान है। अभी भी जिसका कलयुग में इतना नामाचार हो रहा है, नाम वाला है, तो इसका मतलब वो अभी नई आत्माएं हैं, है ना? उनका भी पहला जन्म है, तो फिर इसी कुछ समय में ही उनको अपनी सतो प्रधान सतो रजो तमो तमो प्रधान अवस्था से गुजरना है। इसलिए देखो उनका भी इतना मान सम्मान होता है, तो वो नई आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन ये सब तो तुम पहचान नहीं सकते हो, लेकिन हम बच्चे तो अब समझ सकते हैं ना, क्योंकि बाबा ने हमें बताया है। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है, तत्व खानियां आदि सब तमो प्रधान हैं। नई चीजें थी अब पुरानी हो गई हैं। वहाँ का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, कहती हैं बाबा ने शोभी रस पिलाया। मतलब एक फल है तो वो आम रस से भी बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। आम रस को तो चलो यहाँ बहुत अच्छा मानते हैं इसलिए उससे तुलना कर देते हैं, लेकिन उससे भी अलग स्वाद है, अच्छा स्वाद है, मीठा है। तो बाबा कहते हैं बच्चियाँ आकर बताती हैं कि बाबा ने शोभी रस पिलाया। जरूर ऊंच बाप चीज भी ऊंची देते होंगे। बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, ऊंच से ऊंच एक भगवान ही है, याद भी सब उनको करते हैं, गॉड फादर कहते हैं। गॉड रहते ही हैं ऊपर में, आत्मा गॉड फादर को याद करती है। क्योंकि आत्मा को दुख है तो भोलानाथ बाप आकर फिर सुख देते हैं, तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे? जब बाबा हमें सुख देते हैं, भगवान सुख देते हैं, तो हरदम उनको याद करना चाहिए। आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूँ तो बाप को बहुत याद करता हूँ। देखो अभी तो हर आत्मा दुखी है, पुकार रही है, ढूंढ रही है भगवान को। रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को सिमरण करती हैं, दुख में सिमरण सब करें। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती हैं तो बाप को याद नहीं करती, सुख में करे ना कोई। जो सिमरे सुख में भी तो फिर दुख काहे को कोई, लेकिन तब तो याद ही नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं कि जब आत्मा स्वर्ग में रहती है तो बाप को याद नहीं करती, या आत्मा कहती है बाप को ही पुकारेगी ना। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, भगवान कौन है यथार्थ परिचय नहीं है, कब आते हैं क्या करते हैं कुछ भी नहीं पता।
न ड्रामा का राज जानते हैं कि कैसे आत्मा चक्र में आती है। तुम बच्चे अब जानते हो माया रावण दुख देने वाली है। यह रावण राज्य शुरू हुआ है द्वापर से, यह भी समझाना है क्योंकि यह किसको पता नहीं है कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है, उनकी ही मत पर यह पार्टीशन आदि हुआ है। देखो पूरा संसार कितने खंड में बट गया है ना, धरती हवा आकाश पानी सबको तो बांट दिया है। तो बाबा कहते हैं ये रावण पुराना दुश्मन है और आसुरी मत पर ही ये सब पार्टीशन आदि हुआ है। रावण के 10 सिर दिखाते हैं ना, तो देखो इतने सिर तो अलग अलग मतें हो गई, और विष्णु को क्या दिखाते हैं, 4 हाथ और 1 सिर, तो इसलिए वहां पर एक मत है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वही सदगति दाता सबका है। वह जब आए तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए, ऊंच ते ऊंच वह एक ही है, उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते, यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है, समझाते भी उनको हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था। वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेगी। 9 लाख से शुरू होगा सतयुग अंत तक, बाबा ने बताया ना 2 करोड़, और फिर 2 से 33 करोड़ त्रेता अंत तक, उसके बाद में अन्य आत्माएं आती हैं द्वापर से। और कलयुग में तो देखो कलयुग अंत तक तो ऑलमोस्ट सभी आत्माएं आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि संप्रदाय वृद्धि को पाता रहता है, तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है। तो लगभग 33 करोड़ आत्माओं को तो बाबा कहते हैं इतनों की तो सर्विस करनी है ना। बाद में देखो जैसे ही प्रत्यक्षता होगी सभी एक साथ आएंगे, और सबको पता तो पढ़ना ही है ना, लेकिन फिर पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं रहेगा। बाप आया है ये हर एक बच्चे को पता पढ़ना चाहिए, बाबा ने कहा इसलिए सबको बताओ संदेश दो, नहीं तो बच्चे उलाहना देंगे कि भगवान धरती पर आए और हमें पता ही नहीं चला। तो बाबा कहते हैं कि इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है, कम से कम 33 करोड़ जो आत्माएं हैं वो कुछ थोड़ा तो पुरुषार्थ कर लें ताकि स्वर्ग के अंत में भी आ जाए, त्रेता के अंत में भी आ जाए। इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए बाबा आज हमें हमारे कर्तव्य की याद दिला रहे हैं कि सबको संदेश दो। बाबा कहते हैं कि सब में ज्ञान का बीज भरना है, ज्ञान का विनाश तो नहीं होता, लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहाँ होंगे वह निकल आएंगे, हमें ये नहीं सोचना है ये नहीं निकलेंगे वो नहीं निकलेंगे, हमको तो सिर्फ बाबा का परिचय देना है, कौन सा बीज कब अंकुरित हो जाएगा, कब उसमें फल फूल निकल आएगा पता नहीं ना, कब बड़ा हो, बीज रोपा हुआ हो तो कब पौधा बन जाएगा, कब और बड़ा हो के फल फूल निकलेगा वो तो नहीं पता ना। सब आत्माएं अपना समय लेती हैं, सबका कार्मिक अकाउंट है, इसलिए सबको सृष्टि का बीज रूप कौन है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है, ये बात का ज्ञान बीज सब आत्मा के अंदर भर देना है, रोप देना है, पहुँचा देना है। तो बाबा कहते हैं कि इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है, ज्ञान का विनाश तो नहीं होता, लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहाँ होंगे वह निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते जब तक तुम लक्ष्य न दो। मिलिट्री वालों को जो देश की सेनाएं होती हैं उनको बोला जाता है, या कोई अपना कार्य करवाना किसी को रहता है ना, कोई विशेष दल तैयार करता है तो उनको भी लालच देता है धर्म के नाम पर। आजकल क्या करते हैं देखो, यही तो लालच देते हैं ना कि जन्नत मिलेगी स्वर्ग मिलेगा हूर की परियां मिलेंगी,
तो इसलिए वो शक्ति दल में, लड़ाई दल में जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो उनको वैसा लक्ष्य देते हैं, वो टेम्पटेशन देते हैं। बाबा कहते हैं ये तो झूठ है, वो स्वर्ग में तो जा नहीं सकते, तो तुम लक्ष्य दो उनको कि आपको बाप से आकर वर्षा लेना है, पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करना है और श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है। तो ये लक्ष्य है। तो लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं, मरना तो है ही। सभी आत्माएं शरीर तो छोड़ेंगे, लेकिन एक लक्ष्य के साथ जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है। जी तो सभी रहे हैं लेकिन लक्ष्य प्राप्त करना है, तो फिर उमंग उत्साह रहता है और ऊंच पद हम स्वर्ग में पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य तो तुम ब्राह्मण ही दे सकते हो, मरना तो है ही। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़े ही जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के यह मंत्र कोई दे ना सके। बाबा के बच्चों के पास ही जो है वो यथार्थ ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, मंत्र है, महामंत्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंच है वह बाप। यह तो ठीक है भगवान उवाच कि युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, है ना। कौन सा युद्ध? हमारी जब अपने विकारों से युद्ध होगी उसमें हम जीतेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। परंतु कौन से युद्ध? युद्ध है दो, एक है रूहानी, दूसरी है जिस्मानी। उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। देखो मिलिट्री में भी कितने बच्चे हैं जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, जो इतने सैनिक हैं मिलिट्री में, भारतीय सेना में, उसमें बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, जो विंग्स की सेवा होती है ना, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तो देखो उसमें ब्राह्मण बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं गीता में भी है मन मना भव, अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम युग हो तभी तुम स्वर्ग में जा सकते। वह है जिस्मानी बातें, यह है सब रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। हम भी है ना शिव शक्ति पांडव सेना। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, यह जाते ही है मरने के लिए, तो बाप का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि यह नॉलेज सबको दो। देखो बुलाया जाता है ना अब तो ब्रह्मा कुमारी इसको। तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो स्कूल के होंगे वही मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे। तो सबका कल्याण करना है, बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तभी कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है ना। देखो जो मिलिट्री वाले जो होते हैं, शरीर यदि छोड़ते हैं किसी जंग में तो फिर मोस्टली क्या होता है, मिलिट्री वाले घर में ही उनका जन्म होता है कि जहाँ की उनके पिता हों, दादा जो हों वो कोई भी मिलिट्री से जुड़े हुए हों, सेना में हों। तो बाबा कहते हैं आत्मा में संस्कार रहता है इसलिए ऐसे ही घर परिवार में जन्म होता है, लेकिन स्वर्ग में तो जा न सके। जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना, तो उन्हों की भी सर्विस करनी है, बड़ों बड़ों को समझाना है। देखो बाबा आज कह रहे हैं कि भारतीय सेना की भी सर्विस करो, उनको भी बताओ, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, उस समय हो सकता है कोई सेना में हो और उन्होंने बाबा को बोला हो कि आइए या यहाँ पर आकर ज्ञान दीजिए, औरों को किसी को भेजिए, तो जहाँ तहाँ समझाने के लिए घुसना पड़ता है। धीरे देख धीरे देखो कितने विंग्स की सेवा चालू हुई ना। तो बाबा कहते हैं जहाँ तहाँ समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं। कोई मालिक को समझाए तो उसके अंडर जितने लोग काम करते हैं फिर वो बोलेगा तो उसके कहने से बहुत लोग आते हैं।
परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे, क्योंकि यह बिल्कुल नई बातें है ना। उल्टा भी होता है कई जगह, जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके यदि किसी सीनियर को समझ में आए, गुरु को समझ में आ जाता है, तो चेले लोग सोचते हैं कि हमारा ये गुरु तो क्या हो गया, ये तो दूसरी संस्था में चला गया है, या उनके बोल बोलने लग गए, तो कई बार उनको गद्दी से उतार भी देते हैं, ऐसा भी होता है। कई जगह जो है वो मानने भी लगते हैं, तो ये नई बातें हैं सब, ज्ञान नया है ना, तो जल्दी सबके समझ में आता नहीं है, तो इस तरह की प्रतिक्रिया होती है। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ यह नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन भी यह मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बेगर रूप में है। क्रिश्चियन भी यह मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बेगर रूप में है, फिर बेगर से अमीर कौन बनाए। सबका सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है, तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। अभी इच्छा है यदि सबका कल्याण करने की, तो पहले अच्छी रीति खुद को समझना पड़ेगा और फिर समझाना है। बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन मना भाव का अर्थ बुद्धि में है, उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। क्या है स्वदर्शन चक्र का अर्थ और मन मना भाव का अर्थ? आत्मा पूरे कल्प में अपने स्वरूपों का दर्शन करे, अपने 84 जन्मों को जाने, और मन मना भाव मन बुद्धि बाबा में ही लगा रहे। मैं आत्मा परमात्मा की संतान और बाबा कहाँ है, परम धाम में रहने वाला। परम धाम में मेरा बाबा बैठा है, मेरा पिता है, और मुझ आत्मा को वही निरंतर बुद्धि योग लगाना है, जुड़ा रहना है उनसे, अपना मन बाबा में लगा देना है। बाबा कहते हैं जिनको इस तरह से अर्थ पता हो उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। अब सिर्फ पता होने से तो नहीं हो जाएगा ना, वैसा स्वरूप बनना है। बाबा जो जो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं उसका हमें स्वरूप बनना है। तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। जो भी नियम मर्यादाएं धारणाएं बाबा ने बताई हैं उसको धारण करना है, स्वरूप बनना है, तब कहलाएंगे देवता। बाबा कहते प्रजा तो बहुत बननी है, त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको यह मंत्र मिलना है। मन मना भव मध्याजी भव, ये जो मंत्र है बाबा कहते हैं उतने त्रेता अंत तक आने वाले सब आत्माओं को ये बात पता चल जाएगी। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। तुम्हारे तीर में अब जौहर भरता जाता है, जितना बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं तुम्हारे तीर में जौहर भरता जाएगा, मतलब धार तेज हो जाएगी, धारणा स्वरूप बनेंगे तो औरों का भी कल्याण कर सकेंगे। बाबा कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे, बहुतों को समझ में आएगा। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना, अभी तो देखो कितने ऋषि मुनि सब आने लग गए हैं। फिर समझा है बरोबर यह भगवान ही बाण मारते हैं। अभी सब कह रहे हैं ना कि हाँ कोई शक्ति तो है यहाँ पर, ये ब्रह्मा कुमारियाँ सत्य कह रही हैं। तो तुम्हारे ज्ञान बाण का अब जौहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। अब तो देखो संस्था में आते हैं, इज्जत करते हैं, कहना मानते हैं, और कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ज्ञान बाण का अब जौहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। बच्चे भी तो होशियार हो गए ना, समझाते अच्छा है तो फिर औरों को भी समझ में आ रहा है। धारणा मूर्त जितना बनते जाएंगे बाप की प्रत्यक्षता होती जाएगी। तो जौहर भरना है अपने अंदर, रिफाइन होना है, बुद्धि और रिफाइन होती जाए। मुख्य बाण एक ही है, कौन सा है? ब्रह्मास्त्र। मुख्य बाण क्या है? मन मना भाव, यही शब्द है। यही बताओ कि कौन परमात्मा कह रहे हैं कि अपना मन मुझ में लगा दो।
यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है जहाँ से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वह भी युद्ध का मैदान है, यह भी युद्ध का मैदान है। कुरुक्षेत्र है ना वो, और ये हमारा कर्म क्षेत्र है जहाँ पर हमारी विकारों से युद्ध है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है, साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो इस कुल में आने वाला नहीं होगा उनको याद ही नहीं पड़ेगा। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएंगी। सोचना है ना, बाबा कहते हैं नवीनता लाओ सेवा के लिए भी, और ज्ञान योग धारणा सेवा हर सब्जेक्ट में नवीनता होनी चाहिए। जितना विचार सागर मंथन करेंगे नए नए पॉइंट्स आएंगे। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा, ऐसे करेंगे तो जीत पाएंगे। देखो जितनी प्लानिंग करेंगे जितना सोचेंगे तो फिर रणनीतियाँ और निकलती हैं, जीत पाते हैं। बुद्धि तो चलती है ना, प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं, कितना अभ्यास करते हैं। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे, भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है, मच्छरों मुआफिक आएंगे। जब जड़ चित्रों के आगे मंदिरों में देखो अभी इतनी भीड़ है, तो जब पता लगेगा कि यहाँ साक्षात भगवान आया हुआ है, प्रत्यक्षता होगी, तो मच्छरों मुआफिक आएंगे, भीड़ तो लगनी ही है। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। फिर उस भावना से आएंगे, कोई खराब विचार नहीं रहेगा, यह तो निराकार बाप है ना, तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए, आना भी सबको यहाँ पड़ेगा। भगवान उवाच, आना भी सबको यहाँ पड़ेगा, एक ही हट्टी है, सब आएंगे। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। बाबा हमेशा दिलवाड़ा मंदिर की बात करते हैं। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगत अम्बा भी है। यह अभी का तुम्हारा ग्रुप है, शक्ति सेना का, जैनियों का मंदिर है। देखो कोठरियों में सब तपस्या करते हुए मूर्तियां दिखाई हैं, तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का। अच्छा तो शक्ति सेना तैयार है। बाबा ने आज बताया कि भीड़ लगने वाली है, तो सभी पालना के लिए तैयार हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मन मना भाव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। दूसरा, माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है, रत्न निकालने हैं। वरदान है पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भाव। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भाव। बाप दादा समझाते हैं होली पर सभी बड़े छोटे के भाल को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। हाँ कहते हैं ना गले मिलो, होली है, बुरा ना मानो, होली है। होली जो बात हो गई बीत गई, और मैं आत्मा परमात्मा की होली, और होली मना पवित्र। तो बाबा कहते हैं होली पर क्या करते हैं, सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्मस्वरूप का भान रहता है ना, कि हम सब आत्माएं एक जैसे हैं, भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हैं, छोटा बड़ा जाति
धर्म भेद सब कुछ हम भूल जाते हैं, है ना। तो यही होली हंस स्थिति है। बाबा कहते हैं सब कुछ विसार देते हो और सिर्फ आत्मा आत्मा भाई भाई एक परमात्मा की संतान सिर्फ ये स्मृति रहती है। तो यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज इसी तरह से हमें एक दूसरे को रंग लगाना है, परमात्मा रंग में रंगना है। सब कुछ भूल, पुराना सब कुछ भूल के, सब कुछ दुश्मनी मिटा के, सबको एक रंग में, परमात्मा रंग में रंग लेना है और बहुत ही उमंग उत्साह से होली मनानी है, परमात्मा से मिलन मनाना है। स्लोगन है, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों का चित्त कैसे जलता है? या तो ईर्ष्या से या क्रोध से। उस अग्नि में यदि जलते हैं तो जो आत्माएं शांत हैं, शीतल हैं, पवित्र हैं, सुख करता है, तो वो क्या कर सकती हैं? दूसरी आत्माओं को ठंडक पहुंचा सकती हैं, उनकी क्रोध की अग्नि को अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार से शांत कर सकती हैं। माना वो तो हारे हुए हैं, अधीन हैं, गुलाम हैं, वशीभूत हैं, तो उन पर विजय प्राप्त करना है। इसलिए हमें सदा शांत शीतल स्वरूप में रहना है। सब शीतला देवी बन जाओ। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला है भोला व्यापारी। याद रहे कि बाबा इतना भोला व्यापारी है, हमारी पुरानी चीज़ें लेकर नई चीज़ें हमें देते हैं। दूसरा गॉडली मिशनरी है ये, तो रूहानी सेवा हमारा कर्तव्य है। तीसरा है विचार सागर मंथन, तो सेवा के लिए भी हमें विचार सागर मंथन करना है कि कैसे नई नई पॉइंट्स निकालें और औरों को समझाएं। चौथा है शीतल जीवन, एकदम शांत सुख स्वरूप शीतल जीवन होना चाहिए। और पांचवा है ईश्वरीय मस्ती, तो आज ईश्वरीय मस्ती में मस्त होकर सबको हम परमात्मा रंग में रंगेंगे। हैप्पी होली। ओम शांति।